जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेड जी और इस वीडियो में बात करने वाला हूं उन लोगों से जो लोग 4 अक्टूबर को एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं यूपीएससी आईएएस का। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। और एक चीज बता दूं मैं आपको, शायद आवाज गूंज रही होगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, 2-3 दिन में सॉल्व कर दी जाएगी, तो आप हेडफोन जरूर लगा लीजिएगा, है ना। इस वीडियो में मैं आपको टारगेट जो रखा है आपने 4 अक्टूबर का, उस के अंदर आपको क्या क्या चीजें करनी है ये पता चल गया, आपका 80-90% जो है सॉल्वेशन हो जाता है ऑटोमेटिक, है ना। अभी आपका मन एक तरह से घबरा रहा होगा कहीं ना कहीं, क्या चीज पढ़े, दोबारा देखो चीजें ऐसी हैं, करंट अफेयर्स कौन सा पढ़े, क्या क्या चीजें पढ़े, तो मैंने एक आपको वे बता दिया है, रास्ता बता रहा हूँ, इस पर आप चल लीजिएगा और डेफिनेटली आपका प्रिंट कोई भी नहीं रोक पाएगा दोस्तों, कोई भी, गारंटी से। मैंने कुछ चीजें ऐसी ऐसा कर दी है जो आपके बहुत काम की है। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या है, करंट अफेयर्स कहां से कहां तक पढ़ना है, ये आप लोग हमेशा पूछते हो करंट अफेयर्स कहां से कहां तक पढ़े, तो मई 2019 से लेकर 15 अगस्त तक का आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और आप चाहो तो लास्ट अगस्त तक भी पढ़ सकते हो। ठीक है, लास्ट अगस्त तक आप पढ़ सकते हो, यानी 30 अगस्त कर लीजिए इसे, हालांकि आएगा 15 अगस्त तक का है केवल। ठीक है, इसके लिए करंट अफेयर्स के अंदर आपको क्या क्या चीजें करनी है, करंट अफेयर्स के अंदर आपको जो पढ़ना है वो मैगजीन पढ़नी है, मैगजीन के अंदर कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, मैगजीन पढ़नी है, योजना, कुरुक्षेत्र और न्यूज़पेपर, ये हो गया करंट अफेयर्स का पूरा व्यू, ये चीजें आपको पढ़नी होंगी पूरी। ठीक है, यहाँ समय से लेकर के अगस्त तक, और साथ ही साथ क्रॉनिकल, दृष्टि या विजन, ऐसे एक मैगजीन आप निकाल लीजिए मई से लेकर अगस्त तक की निकाल लीजिएगा, उसमें से आपको एक मैगजीन जो है बहुत अच्छे ढंग से कवर कर ली, जिससे आपका करंट अफेयर्स पूरी तरह से तैयार हो जाए, ये इंपोर्टेंट है काफी। ठीक है, इस ये आपका करंट अफेयर्स का सिस्टम यहाँ पर क्लोज हो जाता है, यानी कि तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी, इतना आपने कर लिया था। ठीक है, अब एक दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ, यूपीएससी हैकर जो मैंने चैनल बनाया है, डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा वीडियो का, उस पर एक वीडियो डाला हुआ है, जो लोग नए पुराने हैं उन्हें पता होगा कौन सा वीडियो है, जो लोग नए हैं वो सुन लीजिए, ये वीडियो ट्रिक से संबंधित है, प्री की, जो आपको जनरल स्टडीज और सीसेट के अंदर काम आएगा, जनरल स्टडीज और सीसेट दोनों में ही काम आएगा, डायरेक्टली अप्लाई करोगे सीसेट बड़ी आसानी से निकलेगा और जनरल स्टडीज का पेपर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, यदि आपने वाकई में थोड़ी अच्छे ढंग से स्टडी करी है और आपने ये वीडियो देख लिया, 80% सफलता मात्र एक वीडियो के जरिए आपको मिल जाएगी, मैं गारंटी से कहता हूँ। जिस दिन आप इस वीडियो को देखोगे, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया है, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेंस के लिए भी कुछ चीजें बताऊंगा, प्री के लिए भी कुछ आने वाले टाइम में चीजें बताऊंगा। ठीक है, 80% गारंटी दे रहा हूं मैं कि वो आपका प्री नहीं रुकेगा किसी भी हालत में, अब कुछ गलती होगी आपकी वो एक अलग चीज है। दूसरा जनरल स्टडीज के अंदर क्या करना है, रिवीजन करना है, अभी आगे में आपको रिवीजन किसका करना है, मॉडर्न हिस्ट्री है विपिन चंद्र का रिवीजन कर लीजिए आप लोग, पॉलिटी है लक्ष्मीकांत का रिवीजन कर सकते हो जो भी चीज छूटी हुई हो, इकोनॉमी में प्रतोगय दर्पण का कर सकते हो रिवीजन। ठीक है, और एनवायरमेंट में आप परीक्षा वाणी या फिर दृष्टि का आप कर सकते हो, बाकी करंट अफेयर्स तो आप पढ़ोगे उसी में से प्रश्न बनेंगे, साइंस में आप एनसीईआरटी का रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी प्लस कुछ 12th के छानबीन थोड़ा सा कर लीजिए, उनमें से आ जाएगा। ठीक है, मेडिकल सेक्टर से थोड़ा सा इस बार कर लीजिएगा पेपर अच्छे ढंग से, और ज्यादा डीप नहीं जाना है, बहुत ही बेसिक लेवल का आएगा, यदि कोरोना संबंधित भी आया, महामारी से संबंधित आया, महामारी एक्ट से संबंधित आ सकता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने होंगे। ठीक है, ज्योग्राफी में आप एनसीईआरटी प्लस मैप का रिविजन कर सकते हो, मैप एक साल के अंदर कौन कौन सी घटना घटित हुई है मैप से रिलेटेड वो आप कर सकते हो। ठीक है, और देखिए एक चीज और बता दूं मैं आपको, पॉलिटी, इकोनॉमी और एनवायरमेंट, इन तीनों को यदि आपने अच्छे से तैयार कर लिया, 60% गारंटी है प्रश्नों की यहीं से बनेंगे, सफलता की गारंटी दे रहा हूं मैं, 60% पॉलिटी, इकोनॉमी और एनवायरमेंट, ये 60% नंबर क्वेश्चन लगभग यहीं से रहते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर पर टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज आप लगाइए, चांस लगाइए, लेकिन ले जरूर लीजिए, या फिर कहीं से ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी मिल रही है, उनके करंट अफेयर्स के प्रश्न जरूर देख लीजिएगा टेस्ट सीरीज में। ठीक है, बस बाकी के सब फालतू के क्वेश्चन रहते हैं
उससे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, असर पड़ेगा आपके पढ़ने से। रेगुलर यदि आप पढ़ रहे हो किसी भी चीज को तो आपके यूपीएससी ये मान के चलिए पास है, क्रैक होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो ये मैंने एक आइडिया दे दिया आपको कि 4 अक्टूबर तक आप क्या क्या चीज कर सकते हो। आप भटक जाते हो, भटकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, भटक गए तो काम गड़बड़ हो जाता है, इसलिए भटकना नहीं है बिल्कुल। जो भी चीजें बता रहा हूँ उन पर कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वीडियो देख लीजिए, आपकी समस्या बिल्कुल पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। प्री तो आपका निकलना तय है। इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।